हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द एग्जाम पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस। बड़ी अपडेट आई है, ऑफिशियल नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। चाहे वो आपका 49,568 के लिए आप देखना चाहें, या फिर घोड़सवार, जेल वार्डर, फायरमैन, या फिर आप सिलेबस के लिए देखना चाहें, तो सारा चीज़ इसमें बात किया जाएगा, जो कि आपको थंबनेल में सारा चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है कि मैंने इसी टॉपिक में बात करनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी सवाल आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई भी सवाल कोई कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो के नीचे आपका कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ से आप जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उसके लिए चलना होगा सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको आगे की प्रक्रिया वहीं से दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं, जिसका लिंक मैंने आपको बताया है कि वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको वीडियो के नीचे जाना है, वहां से क्लिक करके आप इसी वेबसाइट पे आना है। फिर आप नीचे जैसे आएंगे तो आपको यहां एक नोटिस मिल रही है 1/6/20, यानी कि 1 जून 2020 को आपको ये नोटिस मिली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये जो नोटिस है वो किसके लिए है। तो ये नोटिस जो आपकी है वो फायरमैन, घुड़सवार और जेल वार्डर के जो पद पे आपने आवेदन किया था उसके एग्ज़ाम के संबंधित आपका ये डेट जो कंफर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सूचना दिया हुआ है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा, जैसे कि बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप जैसे इसमें क्लिक किए हैं आपको डाउनलोड मांग रहा है, बट मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ओपन विथ ऑलरेडी डाउनलोडेड वाले पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे मांग रहा है किससे मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ से PDF द्वारा देखना चाहूँगा। PDF मैंने क्लिक कर लिया, फिर अब ये आपके सामने खुल चुका है। ठीक है, यहाँ से अति आवश्यक स्टार्टअप है, अति आवश्यक यहाँ से लिखा हुआ मिल रहा है, अति आवश्यक। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया, और ये आपका 1 जून 2020 का आपको अपडेट दिया गया है। भर्ती में मैं जैसे कि बता दूँ सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद एवं महिलाओं के 626 पद के लिए, जेल वार्डर आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए 102 पद तथा फायरमैन के लिए 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2000 लिखित परीक्षा के संबंध में ये आपकी विज्ञप्ति, ये आपकी नोटिस दी गई है। आइए जानते हैं अब नोटिस के बारे में क्या है, तो आप भी देख पाएंगे, खुद से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आपको इसके सिलेबस के बारे में बताना है, 49,569 का जो मेडिकल है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपका नोटिस है, नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो दे रहा है, कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद एवं महिलाओं के 626 पद के लिए, जेल वार्डर आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पद तथा फायरमैन के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अधियाचित पदों पर भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अधियाचन बोर्ड में प्राप्त हुए। ठीक है, इस प्राप्त अधियाचित पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई संपादित करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड ने, मतलब ये है कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था, ये आपका जो प्रक्रिया है वो 2016 से चल रही है, इसमें कुछ व्यवधान हो गए थे, रुकावटें हो गई थी, जिसकी वजह से जो ये भर्ती थी रुक गई थी। इसके बाद मैंने दोबारा इसमें फॉर्म डाला, इसके बाद से ये जो आपके ऑनलाइन प्रक्रिया है कम्प्लीट हो गई, जिसका बाद से फिर अभी आपके एग्ज़ाम के लिए पेंडिंग चल रही है। ठीक है, तो उसी के एग्ज़ाम के लिए ये जो नोटिस है अभी दिया गया है, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये आपके केवल आवेदन पत्र यानी कि बोर्ड के पास चला गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो बोर्ड के पास चला ही गया होगा, बट अभी उसका एग्ज़ाम के लिए कोई भी शेड्यूल्ड नहीं बन पा रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग अब शेड्यूल्ड किया जा रहा है जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन के पदों की जो भर्ती आई थी 2016 में उसी के सापेक्ष। ठीक है, तो आगे की जो आपको सूचना है उसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको दिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे है, उक्त भर्ती से संबंधित ऑफलाइन लिखित परीक्षा, यहाँ से देख रहे हैं जो परीक्षा होगी बिल्कुल आपकी ऑफलाइन होने वाली है, तो क्लियर हो गया कि परीक्षा जो होगी आपकी ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी माह सितंबर 2020 अंतिम सप्ताह में। ये क्लियरली है कि आपका जो है उस सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा अंतिम सप्ताह तक। ठीक है, प्रस्तावित है, मतलब प्रस्तावित ही रहता है, मतलब ये डेट फिक्स नहीं किया जाता, कोई भी आपकी जो बड़ी संस्था है जैसे गवर्नमेंट की, वो आपकी प्रस्तावित ही रखती है, क्योंकि एंड मतलब जो आपका लास्ट टाइम होता है उस टाइम भी उसको चेंज किया जा सकता है किसी कारणवश, किसी विशेष परिस्थिति में, इसलिए उसको प्रस्तावित लिखा जाता है। ठीक है, आगे हैं,
कि उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई समय अंतर्गत की जाएगी। इसका मतलब जो लिखित परीक्षा पास करेंगे, इसका मतलब पहले तो परीक्षा हो, इसके बाद तो लड़के पास करेंगे, उसके बाद अभ्यर्थी जो इसमें है वो परीक्षा को पास करेंगे। तो पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इसमें सूचना दी जा रही है कि उपरोक्तानुसार सूचित होकर अभ्यर्थी नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट, जो कि आपको मैंने आपको लिंक बताया, वही लिंक आपको यहाँ पर मेंशन है, का अवलोकन करते हैं। परीक्षा की तिथि समय अभ्यर्थियों को शीघ्र सूचित किया जाएगा, यानी तिथि अभी आपकी घोषित नहीं हुई है और आपका जो पाली है, जैसे कि प्रथम पाली, सेकंड पाली, द्वितीय पाली, तो भी आपका घोषित नहीं हुआ। जैसे वो कुछ घोषित होगा उसके लिए भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे इसका सूचना मिल जाएगा, विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस का, ठीक है। तो सिलेबस में बात कर लें, सिलेबस क्या है आपका, जीके रहेगा, जीके जीएस में आपका जीके जीएस और करेंट, ठीक, एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा हिंदी, ठीक है, आपका हो जाएगा हिंदी, आपका सेकेंड हो गया। इसके बाद दो सब्जेक्ट और बचते हैं आपका, एक हो गया रीजनिंग, ठीक। इसके बाद आपका होता है मैथ, रीजनिंग के बाद आपका क्या आएगा, रीजनिंग के बाद आपके मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स आपके इतने ही सब्जेक्ट हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखा था यूपी पुलिस, आपने 49,568 में आपने परीक्षाएं दिया होगा, 49,568 उसमें जो आपका सिलेबस था, तो सेम सिलेबस इसमें भी आपका होने वाला है, ठीक है। जो उसमें सिलेबस था वही सिलेबस आपका जेल वार्डर के लिए भी होने वाला है, ठीक है। जेल वार्डर और यूपी पुलिस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो आपका पुलिस का आपका सिलेबस था वही सिलेबस आपका जेल वार्डर के लिए है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए मैंने बताया आपका जीके जीएस, आपका करंट अफेयर, और सेकंड आपका है हिंदी, आपका थर्ड जो है वो आपका है रीजनिंग, फोर्थ आपका मैथ्स है, ठीक है। तो बता दूं आपसे कि मैथ्स भी इस क्लासेस में पढ़ाया जाता है, इस चैनल से आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है, आपको वन लाइनर में आपको हिंदी और जीके करंट अफेयर भी मिल जाते हैं। तो आप उसको भी टैप कीजिए, देखिए आपके क्या पोजीशंस चल रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, उसके लिए भी आपको वीडियो टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं आखिरी में हम 49,568 का मेडिकल के लिए, ठीक है। 49,568 मेडिकल के लिए भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन अभी बात कर लें आपको लॉकडाउन की, जैसे कि बात कर रहे हैं लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब अनलॉक शुरू हो चुका है, यानी कि आपका लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है, बट कुछ शर्तों के साथ आपको अनलॉक वन जो है वो स्टार्ट है, उसका आप जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती हो रही हैं। तो मैं आपसे इसमें इस वीडियो में बता दूं कि अभी 49,500 का मेडिकल के लिए कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, बट अभी हम सूत्रों की बात माने और कुछ विशेष खबरों की बात माने तो ये आपका जो है वो इस साल के दिसंबर तक जा सकता है आपका मेडिकल, ठीक है। मैं अभी इसको कन्फर्म डेट नहीं कह सकता, बट आपका दिसंबर तक जा सकता है नो डाउट, क्योंकि आपको पता है कि इस परिस्थिति में कोरोना वायरस का भी थोड़ा सा प्रभाव भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो गया, तो उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए 49,568 का जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट अभी जो ऑफिशियल नोटिस आपको मिली है वो सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने यही बताया, इसके अकॉर्डिंग कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका सवाल हो तो वीडियो को नीचे ज़रूर बताइएगा, या आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।